अगले दर्शक का सवाल लेंगे और चिन्मय कोलकाता से चिन्मय ने अपना सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस के 60 शेयर हैं 504 रुपए के भाव पर, बजाज कंज्यूमर है 140 शेयर हैं 240 के भाव पर और इंडियन होटल्स हैं 400 शेयर हैं 212 रुपए के भाव पर। संतोष आप आईजीएल पर राय दीजिए, 450 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने देखा है कि सीएनजी पीएनजी के दाम हाल फिलहाल बढ़े हैं, कंपनी ने बढ़ाए भी हैं, क्या आप सलाह देंगे, क्या यहां से हम एक अपटिक की उम्मीद करें? देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है चार्ट पे, लेकिन ये देखना होगा कि वीकली बेसिस पे 450 रुपया ये स्टॉक प्राइस होल्ड कर जाए, मतलब जो ये वीक की क्लोजिंग है मुझे लग रहा है कि रिलेटिवली थोड़ा कमजोर है और जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो काफी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑल्दो प्राइस में अभी तक हम कुछ भी जो है अपडेट नहीं देखने को मिल रहा, केवल और केवल फॉर्मेशन में दिख रहा है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा है, वो भी 450 रुपए अगर वायलेट हो जाता है बाय क्लोजिंग बेसिस और वीकली तो ये और खराब हो सकता है स्टॉक में। कहाँ से तेजी इसमें, कहाँ से थोड़ी उम्मीद जगेगी, मुझे लगता है कि 470 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, 70 से 72 के बीच में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तब हो सकता है कि इनको एवरेज की मैं सलाह दूं, क्योंकि वो डबल बॉटम कंफर्मेशन का 25% होगा कि कंफर्म करेगा कि डबल बॉटम यहां से बन रहा है, तो उसके ऊपर चले तो थोड़ा एवरेज करके, लेकिन निकलने की ओवरऑल सलाह होगी क्योंकि मार्केट एक बुल फेज में है, वहां पर इस काउंटर में हम जो है गिरावट लगातार देख रहे हैं।